इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाप ऑफ चार्ट के बारे में, कैसे सेबी ने एक्सपोज किया है और 17 करोड़ का चूना लगाया है बाप ऑफ चार्ट ने रिटेल लोगों को, आम लोगों को, आम निवेशक को, आम ट्रेडर को। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे आप इससे बच सकते हैं, कैसे लोग ट्रैप होते हैं और थोड़ा बहुत बाप ऑफ चार्ट के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो बाप ऑफ चार्ट का भी मैंने कुछ वीडियोस देखा था, यूट्यूब पे स्क्रॉल करने पे आते रहता है। तो थंबनेल अगर आप देखिएगा ना, अगर आप अभी भी जाके आप यूट्यूब चैनल पे उनका थंबनेल देखिएगा, तो हमें बहुत सारे ऐसे वर्ड के यूज किया गया है कि श्योर शॉट प्रॉफिट या 100% प्रॉफिट, गारंटीड प्रॉफिट। तो थंबनेल देखने के बाद लगता है कि जैकपॉट प्रॉफिट, एकदम जो लॉस है, जो आपका लोगों का लॉस होता है ट्रेडिंग में, वो रिकवर हो जाएगा, उसका 100% गारंटी होता है। तो ये देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं और यही कर करके उन्होंने इतना करोड़ का चूना लगाया है। और सेबी ने जो एग्जामिन किया है उसमें पता चला है कि दो अकाउंट में उनका लगभग 3 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है खुद वो लॉस करके बैठे हैं। तो जो लोग खुद लॉस कर रहे हैं वो अच्छे, कितना अच्छा बिजनेस है ना, कि खुद आप लॉस कर रहे हो, एकदम ग्लैमरस अपना लाइफ को दिखा रहे हो, आप कार खरीद रहे हो, आप घर बनवा रहे हो, आप एक से एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हो प्रॉफिट का, और जो रियलिटी ये है ना कि आप रियल में लॉस कर रहे हैं। और फिर वो आपका जो धंधा चल रहा है कि लोगों से पैसे कर ले लेके, लोगों से पैसे ले लेके और आप अमीर बन रहे हैं और करोड़पति बन रहे हैं, यही आजकल का जो धंधा चल रहा है वो चल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि लोगों को अट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि ट्रेडिंग जो प्रोफेशन है ना, ट्रेडिंग में जल्दी पैसा बनता है, इसलिए लोग जो है वो ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं ट्रेडिंग की तरफ। मैंने भी ट्रेडिंग किया है, मेरे चैनल पे भी वीडियोस पड़े हुए हैं, मुझे कितना का लॉस हुआ है, मैंने मेरा जो प्रॉफिट हुआ है उसका भी वीडियो है, लॉस हुआ है उसका भी वीडियो है, मेरा कैपिटल जो खत्म हो गया है उसका भी वीडियो है, बड़े बड़े जो लॉसेज हुए उसका भी वीडियो है। तो सारा वीडियोज आपको मिल जाएगा, जाकर मेरे चैनल पर भी चेक कर सकते हो। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि लोग जो है, जो रिटेल आम निवेशक है, वो ट्रैप होता है। क्योंकि इनिशियली जब आप ट्रेडिंग करने आते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे रातों रात हम करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही होता है। जब पैसे आपके डूबने लगते हैं तो आप फिर इधर उधर हाथ पैर मारने लगते हैं कि कहीं से हमारा जो लॉस वक्त जो कैपिटल है वो कहीं से ना कहीं हमारा आ जाए। और तब आपको ऐसे जब वीडियोज देखते हैं, थंबनेल देखते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे देखिए, चाहे आप ट्विटर पे देखिए, चाहे आप फिर यूट्यूब पे देखिए, तो आपको जब ऐसे थंबनेल दिखते हैं कि आपको गारंटीड रिटर्न्स का जो ये गारंटी दिया जाता है, आपको प्रॉमिस किया जाता है, तो अगर गारंटी सबका यूज हो रहा है, श्योर शॉट सबका यूज हो रहा है, जैकपॉट, या अगर इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, या इन्वेस्टमेंट में, या ट्रेडिंग में, तो 110% स्कैम ही होता है, फ्रॉड ही होता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गारंटी नहीं होता है, भगवान के अलावा स्टॉक मार्केट में कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता होता है। तो जो भी बोल रहा है ना आपको कि श्योर प्रॉफिट होगा ही होगा, चाहे कितना भी अच्छा कंपनी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा आपका चार्ट रीड करना आपका क्यों ना आए, कितना भी बड़ा आपका एक्सपीरियंस क्यों ना हो, लेकिन आप प्रॉफिट का गारंटी नहीं दे सकते हैं, आप श्योर शॉट नहीं बोल सकते। तो ऐसे वर्ड पे आपको ध्यान में रखना है कि कौन फेक इन्फ्लुएंसर है और कौन जेन्युइन इन्फ्लुएंसर है। होता क्या है ना कि ऐसे ऐसे लोगों के कारण जो इन्फ्लुएंसर्स का कम्युनिटी है वो उन पे असर होता है, जो अच्छे काम कर रहे हैं उन पे भी असर होता है, जो सही में आगे वीडियोज बना रहे हैं, जो सही में आपको नॉलेज दे रहे हैं उन पे भी असर होता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो एक बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज किया है सेबी ने, जो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है सेबी की तरफ से, क्योंकि ऐसे लोगों पे जो डंडा चलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो हमारा यूथ है ना वो कहीं ना कहीं जाके बर्बाद हो रहा है, क्योंकि पैसे आपके नहीं बनने वाले हैं, कितना भी आप 3,000, 2,000, 5,000 आपके लिए हो सकता है कि बहुत छोटा अमाउंट होगा, आप सोच रहे कि इतना देके शायद हमारे पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसे होने वाले नहीं है, होते भी नहीं है। करोड़पति वो जो अपना पेड कोर्स चला रहा होता है वो करोड़पति होता है, और वो भी इलीगल के रूप में। देखिए, कोर्स चलाना, कोर्स अपना लॉन्च करना वो इलीगल नहीं है, अगर आप एजुकेशनल कंटेंट अगर आप डिलीवर कर रहे तो वो इलीगल नहीं है, लेकिन अगर आप वो काम कर रहे हैं जो इलीगल है और उसका आप कोर्स डाल रहे हैं, जैसे कि आपको एडवाइस देना है अपने क्लाइंट को या अपने इन्वेस्टर्स को या अपने ट्रेडर्स को, तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, सेबी का, तो वो लेना जरूरी होता है। वो अगर बिना किए हुए अगर आप ये सब कर रहे हैं तो वो एक स्कैम है, फ्रॉड है, और पैसे भी आप ले रहे हैं और उसके बावजूद आप खुद प्रॉफिट में नहीं है। तो एक बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज किया है सेबी ने। तो इससे कैसे बचा जा सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, जितने भी बड़े बड़े निवेशक से अगर आप उनका इंटरव्यू देखिएगा तो सभी ने ट्रेडिंग किया है,
सभी को लॉसेज हुए हैं, तब जाकर उनको एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में पैसे नहीं बनने वाले हैं। और डाटा भी यही कहता है कि जो ट्रेडिंग है ना, जो ट्रेडिंग एक बिजनेस है, एक बहुत ही ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पे जो चांसेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है या चांसेस ऑफ सक्सेस है वो 1-2% ही है, तो बहुत ही कम यहाँ पे चांसेस होता है। तो पहला तो यही है कि आप ट्रेडिंग को ना ही कीजिए तो वो बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पैसे यहाँ पे गंवाते हैं। और ये हमारा डाटा क्या कहता है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि 10 में से कितने लोग ट्रेडिंग में पैसे गंवाते हैं, तो 10 out of 9 यानी 9 लोग 10 में से पैसे गंवाते हैं, एक ही होता है जो पैसे बनाता है। तो बहुत ही रिस्की प्रोफेशन है, बहुत ही ऐसा प्रोफेशन है कि आपको अपना हाथ जलाना ही पड़ेगा, लॉस करना ही पड़ेगा। अगर आपको फिर भी करना ही है तो आप खुद से सीख के कीजिए, खुद लॉस लेके कीजिए, क्योंकि बिना उसके, बिना खुद के एक्सपीरियंस से, बिना हाथ जलाए हुए, बिना लॉस किए हुए आप सीख नहीं सकते हैं। चाहे जो भी सक्सेसफुल है ट्रेडिंग में, वो वैसे ही उन्होंने सक्सेस अचीव किया है। तो बहुत सारा जो कंटेंट है वो फ्री में अवेलेबल है, बिना किसी के कोर्स लिए हुए, बिना किसी के टिप लिए हुए भी आप ट्रेडर बन सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे आपको बचना है तो ऐसे लोगों से पहले दूर रहिए जो 100% गारंटी लेता है, श्योर शॉट बोलता है, आपको बोलता है कि इतना प्रॉफिट होगा ही, 500% 300% आपको आराम से प्रॉफिट हो जाएगा, जैकपॉट प्रॉफिट हो जाएगा। तो बहुत ही ऐसे लोगों से आपको बचना है, ऐसे थंबनेल से आपको बचना है, ऐसे वीडियो आपको खोलना भी नहीं है। ऐसा थंबनेल अट्रैक्ट सभी को करता है, मुझे भी करता है पर्सनली। मैं भी अगर यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा होता हूँ तो एकदम 100% अगर जेन्युइन में अगर आपसे बात करूँ तो मैं भी ऐसे थंबनेल को देख के अट्रैक्ट होता हूँ। लेकिन फिर आपको वो देखना होगा कि कौन जेन्युइन क्रिएटर है, कौन जेन्युइन बता रहा है आपको, कौन जेन्युइन आपको नहीं बता रहा है, वो आपको फर्क करना पड़ेगा, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसे खुद ही आपको बचना होगा, आपको खुद ही ये देखना होगा कि आपको किसको वीडियो देखना है, किसका वीडियो नहीं देखना है, अच्छे लोग भी है, खराब लोग भी है, उसमें आपको चूज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है जो 100% गारंटीड रिटर्न्स आपको देते हैं, जो कि लगभग 100% 110%, ऐसा कहा जाता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे 110% इम्पॉसिबल है कि कोई गारंटी लेके अगर रिटर्न आपको दे रहा है। 1-2 बार तुक्का लग सकता है, बार बार तुक्का नहीं लग सकता है, और आपको लंबे समय के लिए ये इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना है, तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, ऐसे वीडियो से बच के रहिए। और क्योंकि ये जो मार्केट है, जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं, जैसे जैसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग आते भी रहेंगे। आज एक पे बैन लगा है तो सेबी ने बैन भी लगाया है मार्केट में, अब वो शायद काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग, एक लोग आएगा, एक लोग जाएगा, तो 10 लोग आ जाते हैं। तो आपको खुद से ध्यान में रखना है कि ऐसे लोगों से बच के रहना है। वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस की जरूरत है। और क्योंकि ट्रेडिंग में ट्रेडर को जो वीडियोज है उसके जल्दी वायरल होते हैं वीडियो, क्योंकि आप लग्जरी उनका देखते हैं कि यार लैपटॉप पे लैपटॉप खोल के कर रहे हैं, मोबाइल खोल के कर रहे हैं, और लाखों में करोड़ों में प्रॉफिट स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। क्या वैकेशन पे वो लोग जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, ट्रिप प्लान कर रहे हैं, और आलिशान मर्सिडीज BMW, तो ये सब आप सोचिए, ये सब आता कहाँ से? आप जो कोर्स लेते हैं ना 200, 300, 500, 1000, 10000, 5000, 50000 का, उनसे ये सब चीज़ स्पॉन्सर होता है, उससे ये सब चीज़ खरीदा जाता है। तो आप ऐसे लोगों से बच के रहिए जो शो ऑफ करते हैं। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जिससे और भी लोग अवेयर होंगे। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।